राम भगवान खाते थे मांस वाले बयान पर बवाल, जितेंद्र अवार्ड की गिरफ्तारी की उठी मांग, बीजेपी नेता राम कदम ने शिकायत की दर्ज। मुंबई के अंधेरी में 19 साल की लड़की ने लेटर लिखकर 14वीं मंजिल से लगाई छलांग, घटना से मची सनसनी। यूपी में योगी एक्शन के बाद अब मुंबई में सफेद नंबर प्लेट के वाहनों का मुद्दा गरमाया, स्कूली वाहनों पर लगेगी लगाम। 22 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में शराब और मांस पर लगाए जाए बैन, भाजपा एमएलए राम कदम ने सीएम शिंदे से की मांग। प्रभु राम पर विवादित टिप्पणी को लेकर अजित गुट के कार्यकर्ता हुए आक्रामक, जितेंद्र अवार्ड के घर के बाहर किया हंगामा। नवी मुंबई में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद। मैं प्रस्ताव रखता हूं लेकिन सच्चाई के अलावा कुछ नहीं कहता, फिर भी भावनाएं आहत हुई तो माफी चाहता हूं, जितेंद्र अवार्ड की पहली प्रतिक्रिया। मुंबई करो के लिए जरूरी खबर, आज और कल मुंबई में होगी पानी की कटौती, पाइपलाइन का काम चालू। भाई ने अपनी ही सगी बहन के घर की चोरी, 26 तोला सोने के गहनों पर किया हाथ साफ, 2.5 लाख कैश भी ले गया, अहमदनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5 फ्लैटों के बदले दिया था बंगला, 20 साल बाद मिला जस्टिस, भुजपल के परिवार ने चुकाए 8 करोड़ रुपए। महायुति ने फूका चुनावी बिगो, लोकसभा में 45 और विधानसभा में 225 का लक्ष्य, मेगा प्लान हुआ तैयार। राम मंदिर के उद्घाटन से देश में 50 करोड़ का होगा बिजनेस, कैट की कॉर ग्रुप ने लगाया आंकड़ा। पीएम मोदी 12 जनवरी को MTHL का उद्घाटन करेंगे, एक ही दिन में ऑरेंज गेट और बोरीवली सुरंग की आधारशिला रखेंगे। मुंबई गोवा हाईवे पर सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 5 जनवरी को भारी वाहनों पर लगी रोक। एंटी नारकोटिक सेल कांदिवली द्वारा बोरीवली पश्चिम में रोहित गुप्ता और अर्जुन जायसवाल से 2 किलो 960 ग्राम चरस किया बरामद। मुंबई में शुक्रवार को दाऊद इब्राहिम के बचपन का घर होगा नीलाम। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में IAS अधिकारी और उसके भाई ने एयरटेल के 2 कर्मचारियों से की मारपीट, FIR हुआ दर्ज। तंबाकू और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने में विफल रहने पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस। सब्जी बेचने वाले के पास मिली नेपाली चरस, 1.5 करोड़ कीमती ड्रग्स के साथ मुंबई में 2 आरोपी गिरफ्तार। कोरोना पॉजिटिव होने पर 5 दिन होम क्वारंटाइन में रहे, टास्क फोर्स की सलाह, नियम जल्द होगा लागू।